तो भाई लोग आपका भी आईडी ब्लैक लिस्ट हो चुका है और आप ना ही कोई सा रैंक मोड खेल पा रहे हो और ना ही कोई सा भी मोड आप खेल ही नहीं पा रहे हो। खेल भी पा रहे होगे तो सामने हैकर आ रहे होगे और रैंक मोड तो आपका स्टार्ट हो ही नहीं रहेगा क्योंकि आपका आईडी जो है ब्लैक लिस्ट हो चुका है। पर भाई लोग टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई आज एक ऐसी ट्रिक लेके आया जिसके बाद जो तुम्हारा आईडी जो अनब्लैक लिस्ट तो हो ही जाएगा, उसके बाद सारे मोड भी स्टार्ट होंगे। और भाई लोग बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई उन्होंने तो कोई यूज ही नहीं किया, मतलब कुछ ना हैक यूज किया और ना ही कुछ यूज किया, फिर भी उनका आईडी जो है ब्लैक लिस्ट हो गया। तो भाई लोग वो लोग जानना चाहते हैं कि ब्लैक लिस्ट कैसे हुआ। तो भाई लोग मैं तो यही कहूंगा कि जानकर क्या ही करोगे, क्योंकि तुम्हारा आईडी ब्लैक लिस्ट हो गया ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब तुम जानकर भी क्या कर लोगे गरीना का, इसलिए तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आज की वीडियो में तुम्हें उस ट्रिक के बारे में बताता हूँ कि उस ट्रिक के बाद तुम्हारा आईडी जो अनब्लैक लिस्ट कैसे होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर जरूर से प्रेस कर देना। तो भाई लोग बिना किसी बकवास की देरी करें हम जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या, तुम्हें अपने फ्री फायर में आ जाना है और फ्री फायर में आने के बाद तुम्हें अपने जो लॉबी में चले जाना है और उस वाली आईडी को जो ओपन कर लेना जो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। उसके बाद तुम्हें ऊपर सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है ना फ्री फायर में, उस पर तुम्हें टैप करना है। और देखो फिर ऊपर टैप करने के बाद देखो सबसे नीचे का ऑप्शन दिख रहा है कस्टमर सर्विस का, इसको तुम्हें जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, अब जैसे तुम इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा ब्लैक ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलेगा, और अगर ये ब्लैक स्क्रीन तुम्हारा हटता ही नहीं है ना तो तुम्हें साइड में देखो एक ब्राउजर वाला ऑप्शन दिख रहा है, तुम्हें इस पर टैप कर देना और तुम ब्राउजर में जाकर ये सेम प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ तुम्हें वहाँ पर कर देनी है। पर मेरा यहाँ पर हो गया तो मैं यही कर दूँगा, आप ब्राउजर पर कर सकते हो तो वहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद देखो यहाँ ऊपर तुम्हारा फ्री फायर का नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है उस नेम पे तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो सेकंड नंबर वाला तुम्हें जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है सबमिट आ रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा फिर तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, फिर यहाँ पर देखो नीचे एक डब्बा है, इस डब्बे पर तुम जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर तुम्हें देखो गेम कंसर्न वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन है। उसके बाद तुम्हें देखो तुम्हारा यहाँ पर फ्री फायर का यूआईडी नेम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर टाइप ऑफ गेम कंसर्न में तुम्हें सिलेक्ट करना है थर्ड नंबर वाला टेक्निकल इशू, इसमें जो है मैच मेकिंग दिख रहा है तो मैं देख सकते हैं यहाँ पर जो मैच मेकिंग भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तुम्हें थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। ओके, अब जैसे तुम इसे सिलेक्ट कर लेगे उसके बाद तुम्हें चूज करना है तुम नॉर्मल फ्री फायर में खेलते हो या फ्री फायर मैक्स में खेलते हो, वो तुम्हें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें डू यू हैव स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, हाँ भाई ये तुम जरूर सिलेक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा इंटरनेट एकदम बढ़िया है। उसके बाद जो है तुम कौन सी सिम से जो है तुम्हारा जो है फ्री फायर चलाते हो वो तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और अगर कोई वाईफाई यूज करता है तो यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा उसे अदर ISP, तुम्हें वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं जो अभी एयरटेल सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इससे नेट चलाता हूँ। उसके बाद तुम्हें जो स्क्रीनशॉट, ठीक है, अब तुम्हें एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना है जब मैच मेकिंग का जो शुरुआत में मैंने तुम्हें दिखाया था जो थंबनेल में भी है मेरा, ऐसा एक स्क्रीनशॉट ले लेना है तुम्हें, और वो जो है तुम्हें यहाँ पर तुमको गरीना को सेंड कर देना, या तुम वीडियो भी बना सकते हो छोटा सा, तो वो तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके रखना है और इस वाले बटन को जो तुम्हें टैप कर देना है मतलब राइट कर देना, और स्क्रीनशॉट तुम्हें बताता हूँ लास्ट में कैसे अपलोड करना है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी भी तुम्हें टिक कर देना क्योंकि तुमने कोई प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब अगेंस्ट कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, अब जो मेन काम आता है वो डिस्क्रिप्शन का ही मेन काम होने वाला है। तो भाई लोग मैं जैसे डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ उसमें तुम्हें भी सेम ऐसी की ऐसी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है जिससे कि जो है गरीना को एकदम क्लियरली समझ में आए कि तुम क्या कर कह रहे हो। ठीक है, उनसे तो देखो मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ ये वाली तुम्हें सेम टू सेम ऐसे लिख देनी है डियर गरीना, और मैं इसमें तुम्हें हिंदी में बता दूँ मैंने क्या लिखा है। तो मैंने इसमें लिखा है कि मैं जो कोई भी रैंक मैच वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी हैक वगैरह को यूज़ नहीं किया है, मैंने ये सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। और भाई लोग तुम सभी को सेम ऐसा ही लिख देना है, इस वीडियो को पॉज कर लो या मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी ये लिख के दे दूंगा, तुम्हें सेम ये वाला लिख देना है। और लिखने के बाद इसके बाद जो तुम्हें सेकंड वाला ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ नीचे अटैचमेंट, यहाँ पर तुम्हें स्क्रीनशॉट और वीडियो को जो मैंने बोला था वो तुम्हें एक लेके रखना है या वीडियो बना के रखना है, और यहाँ पर एड फाइल पर क्लिक करके उसको भी यहाँ पर जो अपलोड कर देना है। तो मैं फटाक से अपलोड कर देता हूँ। तो भाई लोग मैंने जो है अपना फोटो जो अपलोड कर दिया है वो जो मैच मेकिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसके बाद बस यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा लोडिंग होगा, देखो हो चुका है। उसके बाद तुम्हें यहाँ नीचे जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर टैप कर देना है। ठीक है, तो जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा उसके बाद कुछ नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर ऊपर लिखा होगा योर रिक्वेस्ट है वाज सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, और ये सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो, तुम्हारा मतलब टोकन वगैरह सब कुछ जनरेट हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, तो भाई लोग अब मैं यहाँ पर मेन चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें करना क्या है। अब तुम्हें मैं वापस से बैक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें 5 से 6 दिन वेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं गेम कट कर लेता हूँ मतलब बाहर आ जाता हूँ इसके, और तुम्हें यहाँ पर कितने दिन रुकना है, कम से कम 7 या 8 दिन रुकना है या 5 से 6 दिन रुकना है जब तक गरीना का रिप्लाई तुम्हें ना आ जाए। ठीक है, अब गरीना का रिप्लाई आ जाएगा 5 से 6 दिन बाद, तुम्हें उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें फिर से वहीं पर जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद तुम्हें कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लोडिंग हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर लोडिंग वाला ब्लैक स्क्रीन अगर हो तो फिर से तुम्हें ब्राउजर में चले जाना जैसे मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा नेम पे ऊपर फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इस बार तुम्हें सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है माई रिक्वेस्ट वाला। ठीक है, आप जैसे ही माई रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने रिक्वेस्ट डाली है वो ओपन है। ठीक है, अब तुम 4 से 5 दिन बाद देखोगे ना तो ये ओपन की जगह यहाँ पर लिखा होगा सॉल्वड। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व लिखा हुआ, अगर यहाँ पर सॉल्व लिखा आ गया तो भाई लोग मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मतलब तुम्हारा आईडी जो अनब्लैक लिस्ट हो चुका है। पर बहुत
से लोग मतलब ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, मैंने पहले भी वीडियोस के ऊपर बनाई थी, उनका सॉल्व लिखा होने के बाद भी उनका मैच स्टार्ट नहीं हो रहा है रैंक वगैरह, तो भाई लोग उसके बाद भी तुम्हें थोड़ा और वेट करना उनके, मतलब 7-8 दिन और ज़्यादा वेट कर लो, क्योंकि भाई गिरेनाक्स सर्वर कितना बड़ा है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और अगर उस 7-8 दिन के बाद नहीं हो रहा है तो एक दो बार और रिक्वेस्ट करके देख लो और उसके बाद थोड़े दिन रुक जाओ, तुम्हारा आईडी अनब्लैकलिस्ट हो जाएगा। तो भाई लोग यही मैं बता रहा हूँ, अभी तो मेरा ओपन है, अगर तुम 4-5 दिन बाद जाके देखोगे, कभी कभी तो 1-2 दिन में ही हो जाता है, अगर 4-5 दिन बाद आके तुम यहाँ पर देखोगे सॉल्व लिखा है, समझ लेना तुम्हारा मैच में प्रॉब्लम जो है 100% फिक्स हो जाएगा। तो भाई लोग जल्दी जल्दी जाकर तुम भी कर लो तुम्हारा आईडी अगर ब्लैकलिस्ट है, और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कर देना जिसका आईडी जो है अनब्लैकलिस्ट नहीं हुआ है तो कर देना, और अगर यहाँ पर रिजेक्ट लिखा हुआ है तो भाई समझो कि तुम्हारा आईडी जो है रिजेक्ट हो चुका है, मतलब तुम्हारा तुमने हैक वगैरह कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया होगा। तो यहाँ पर रिजेक्ट तो बहुत कम लिखा होगा, मेरा तो आज तक रिजेक्ट लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की आईडी जो है अनब्लैकलिस्ट करवाई तो उनके में तक अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो भाई लोग तुम भी जाके कर लेना। तो भाई लोग ये वीडियो आप ज्यादा ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कई से लोगों का आईडी जो ब्लैकलिस्ट हो गया बेवजह, तो तुम उनके साथ जरूर शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।